हाय फ्रेंड्स, मैं बनाने जा रही हूँ चिकन टिक्का। तो उसके लिए मैंने चिकन ले ली हूँ 200 ग्राम। उसके मैंने ऐसे पीसेस बना ली हूँ छोटे छोटे। इसमें सबसे पहले डालेंगे दही। ध्यान रहे दही में ज़्यादा पानी ना हो। इसमें 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच और ये कश्मीरी मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च, ये 1 बड़ा चम्मच भर के। इसमें डालेंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, कसूरी मेथी और 1/2 लींबू। सबको अच्छी तरह से मिक्स करें। अब इसे मैं आधे से 1 घंटा रेस्ट करने रखूंगी। इसमें मैं तेल बताना भूल गई थी, इसमें 1 चम्मच तेल भी डालेंगे। अब रेस्ट करने छोड़ देंगे। नमक डालेंगे, मसाला लगा के 1/2 घंटा हो चुका है। अब मैं इसमें ओनियन मिक्स कर रही हूँ। इस तरह की स्टिक में मुझे मैं ये अरेंज करूँगी। इसको मैं अरेंज करने के बाद आपको दिखाती हूँ। स्टिक रेडी हो गई है। अब मैं एक एक करके सारी स्टिक्स ये तवे पर फ्राई करूँगी। चिकन टिक्का रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी ये डिश पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।